आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ शुभम मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जहां केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा होगी। योगी कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग भी करेंगे। डिनर का आयोजन सीएम योगी के सरकारी बंगले पर होगा। पीएम के आगमन से पहले ही सभी मंत्रियों को लखनऊ पहुंचे जाने के निर्देश दे दिए गए। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के विकास और प्रदेश की कानून व्यवस्था में और अधिक सुधार के लिए सरकार के जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार संसार को और शांतिपूर्ण, सद्भावना और टिकाऊ बना सकते हैं। मोदी ने ट्वीट किया, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। वहीं देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पर्व पर ट्वीट कर कहा, बुद्ध जयंती के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज तीसरे दिन की कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा, नंदी के मुख के सामने मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया दावा, उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बाहर निकलने पर लू का खतरा बरकरार है। आधी मई ने ही लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं और आंसू भी निकलवा दिए हैं। अभी जून पूरा बाकी है। नोएडा में 15 मई इस सीजन का ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों का सबसे गर्म दूसरा दिन रहा। कुछ यही स्थिति गाजियाबाद की रही। रविवार को इस सीजन में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। बांदा में तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वहां पर रविवार को तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। लखनऊ में लोगों को पसीने छुड़ाने वाली गर्मी का एहसास हुआ। तापमान एक बार फिर 44 के पार पहुंचा। नोएडा में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक होकर 45.5 दर्ज किया गया। खबर गोरखपुर से है, जहां आईएमए गोरखपुर एवं मेदांता लखनऊ की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में आईएमए गोरखपुर और मेदांता लखनऊ के डॉक्टरों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर शाही ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से हम सभी डॉक्टरों को उपचार की नई नई विधियों की जानकारी होती है और आईएमए हर महीने इस तरह के साइंटिफिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इसी के साथ ही आईएमए गोरखपुर की जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें सभी कमिटियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं कि अगर किसी को पक्षाघात होता है तो उसको हम 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां सारी सुविधा उपलब्ध, ये इसका उद्देश्य। पहला यहां से ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी से बहुत पेशेंट को दिल्ली जाना पड़ता था। अभी काफी पेशेंट, काफी कम लोग दिल्ली जाते। लखनऊ में सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में अवेलेबल है सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं और किफायती दरों में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। इनका पोस्ट ऑफ केयर भी अच्छा से हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ जाने में इतना परेशानी भी नहीं है जितना दिल्ली जाना में पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी फायदा होगा इस प्रांत का लोगों को। इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस है वो ये रहेगा कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं या जो बाकी के पेशेंट पॉपुलेशन है या लोग हैं, उनको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बीमारी, जिसे हम अपनी भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं,
और जनरल भाषा में लकवा मारना बोलते हैं, उसके बारे में और उससे हो रहे इलाजों के बारे में, उसके लिए जो इलाज अभी उपलब्ध हैं बड़े सेटअप्स में बड़े शहरों में उसके बारे में। बिजनौर में सरकार की ओर से स्वीकृत नक्शा और रकबा के हिसाब से पीड़ित को आज तक उनकी जमीन पर पूरा कब्जा नहीं मिल पाया है। पिछले 10 सालों से पीड़ित परिवार अपनी जमीन पाने के लिए कोशिश कर रहा है और दबंगों ने उनकी लगभग 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ितों ने डीएम और एसपी को प्रार्थना पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। और ये जो लोग जो इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने मुनाफे हैं ये लोग, और 13 साल से मैं लड़ रही हूँ इसके लिए, और दो बार आदेश आ चुका है। एक बार पहला आदेश आया है उसको तोड़ दिया, और अभी फिर आदेश आया उसको भी चिट्ठीबंदी हुई हमारी 13 तारीख को, और उसको भी इन्होंने जो है रात को तोड़ दिया। प्रशासन भी हमारे साथ था और इस पुलिस भी हमारे साथ थी, विकास पवार और गीता सिंह, प्रशासन हमारे साथ है, आदेश प्रशासन का, डीएम साहब का आदेश है। तो आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अलीगढ़ में पत्नी और उसके भाइयों द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिनों सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था। वहीं अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस शव की पहचान में जुट गई थी। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि मामूली विवाद के चलते पत्नी और पत्नी के भाइयों ने युवक की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। इस घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अनावरण किया और इस पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी अन्य 2 की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र इसमें उनको गिरफ्तार करके विधिक। बिजनौर में रिलायंस ट्रेड्स की 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग लगने के कारण जहां शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए, तो वहीं शोरूम से सटे सिविल लाइन फर्स्ट कॉलोनी के 3 से 4 मकान भी आग की चपेट में आ गए। और इन मकानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि शोरूम बनने के दौरान मानकों का पालन न करने की वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल आज जो हमारे घर के पीछे रिलायंस ट्रेंड्स है, इसमें 11 बजे आग लगी हुई है 11 बजे से, उसी के कारण हमारे यहाँ 3-4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर उसमें दरारें हैं, टूट टूट के उसमें ईंट सीमेंट गिर रहा है और बुरी भयानक। खबर मुरादाबाद से है, जहां के थाना कटघर के देवापुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस टक्कर में हुई मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आधा घंटा हुआ है भैया, गाड़ी सही करा कर दुकान पर से निकल के आया है, किसी लड़के के जिसके पास आया। क्या क्या गया घर से? ना घर से ना दुकान पर सही सूट सही करा है, इस दुकान पर से आया है। मोटरसाइकिल पे थे? मोटरसाइकिल पर। मुझसे तो यूँ कह रही है, बुआ मैं राशन बेचने जा रहा हूँ, राशन बच गया है तो खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मरिया सलीमपुर मिर्जा गांव में 2 महिला घर की लिपाई पोताई के लिए मिट्टी लेने गई थी। दोनों महिलाओं की गांव के पास से टीला ढहने से मिट्टी के मलबे में मौत हो गई। दरअसल ये दोनों महिलाएं घर की लिपाई पोताई के लिए गांव के पास से मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला ढह गया, जिसमें दोनों दब गई। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है।
खबर देवरिया से है, जहां राज डांस एकेडमी के तत्वाधान में सिंगिंग के क्षेत्र में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया और इस आयोजन का कार्यक्रम किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज डांस एकेडमी में प्रथम पुरस्कार पाने वाली छात्रा अंकिता राय को 10,000 रुपए की चेक देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया है। साथ ही द्वितीय पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी, तृतीय पुरस्कार इरफान को दिया गया है। वहीं इस एकेडमी में गरीब बच्चों को निःशुल्क सुविधा भी दी जा रही है। जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है। हम लोग देवरिया में बैंक वैंक की हैं और मैं अभी लगातार आप लोग के सानिध्य में मैं लगातार चीफ एंकर ही रह रहा हूँ किसी भी प्रोग्राम में, और ये देवरिया का गौरव है और देवरिया के लिए गर्व की बात है। और हम लोगों ने लगातार प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे बैंक वैंक, अभी हम लोगों ने किया है, उसका प्राइज़ अभी शेष रह गया था, सिंगिंग जजमेंट का प्राइज़ शेष रह गया था, उन बच्चों को हम लोगों ने दिया है। फर्स्ट प्राइज़ अंकिता पाई है, फर्स्ट प्राइज़ पे हैं ये, और 10,000 का चिप इनको मिला है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लक्ष्मी है, और थर्ड पोजीशन पे जो मोहम्मद इरफान है वो भी आए नहीं हैं। हम हर साल इवेंट कराते हैं, फ्री था ये, कुछ कारणों से सिंगिंग का प्राइज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने फिर अपने अकेडमी में रखा है ये प्राइज़। मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चे यहाँ डांस करना चाहे तो आपके लिए क्या सुविधा है? सर, गरीब बच्चे के लिए सर इसकी फीस माफ है, हमारे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, जब तक सीखना चाहते हैं तब तक सीखे, कोई पैसा यहाँ नहीं दे रहे। अभी बच्चों को 10,000 का चेक भी दिया जाए? जी सर, ये जो बच्चा बिना हुआ उसके लिए 10,000 डांस कर। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।